तो आज हम जिस वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, इस सीरीज़ का नाम है गांव की गर्मी, जो पलंग तोड़ टाइटल के साथ इस वीकेंड उल्लू ऐप पे रिलीज़ हुई है। वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है मदन और मानसी। दोनों गांव में अपने भैया और भाभी के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम गांव में मदन के भैया और भाभी को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि मदन की जो भाभी हैं वो मदन के भैया के साथ इंटीमेट होना चाहती हैं, लेकिन मदन के भैया का बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है। इसके बाद मदन और मानसी को हम देखते हैं जो कि गांव में अपने भैया और भाभी के पास पहुंच गए हैं। मानसी जो है वो अपनी जेठानी के पास रसोई में चली जाती है और मदन अपने भैया के पास बैठकर हुक्का पी रहा होता है। इसके बाद रात को दोनों भाई मिलकर ड्रिंक करते हैं और जब मदन का भाई अपनी पत्नी को बुलाता है तो मदन की नज़र उस पे पड़ती है। और फिर अगले दिन भी जब मदन की भाभी कपड़े धो रही होती है तो मदन उनको देखता रहता है। इसके बाद रात को दोनों भाई दोबारा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद मदन का भाई अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने का मूड बनाता है। जब दोनों के इंटीमेट होने लगते हैं तो उसकी पत्नी सही से सेटिस्फाइड ना होने के कारण फ़ोन में वीडियो लगाकर अनाज के गोदाम में जाकर खुद को सहलाने लगती है। ठीक उसी वक्त मदन बाथरूम के लिए उठता है और किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर जब वो गोदाम की खिड़की से अपनी भाभी को गोदाम के अंदर देखता है तो इसके बाद उनके रूम के बाहर जाकर बैठ जाता है और अपनी भाभी के आने पे उनके बदन पे आए पसीने का कारण पूछता है और उन्हें छेड़ता है। अगली सुबह वो अपनी भाभी के रास्ते में खड़ा हो जाता है और उसकी भाभी भी अब उसके आंखों के इशारों का जवाब देने लगती है। रात को मदन की भाभी का अपने पति के साथ इंटीमेट होने का मूड बनता है, बट उसका पति उसे सोने का बोलकर खुद सो जाता है और उसकी पत्नी मदन और मानसी के इंटीमेट होने की आवाज़ें सुनकर खुद के कान बंद करने लगती है। अगली सुबह मानसी कपड़े धो रही होती है और तभी उसकी जेठानी की नज़र उसकी गर्दन पे पड़ती है और गर्दन पे चोट के निशान को देखकर उसकी जेठानी उससे पूछती है, जिस पे मानसी कहती है कि मदन ने उसे मारा नहीं है बल्कि ये एक प्यार में दिया गया चोट का निशान है। जिस पे उसकी जेठानी जो है वो उसकी बात का मतलब पूछती है तो मानसी उसे फ़ोन पे एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि इसे BDSM कहते हैं और उन्हें भी ये जो है वो ट्राई करना चाहिए, इसलिए वो मानसी को अपनी एक नाइटी भी यूज़ करने के लिए देती है। अब उसकी जेठानी दिन में ही अपने पति के साथ BDSM करने का प्लान बनाती है और इसी वजह से वो मदन और मानसी को कहीं बाहर भेज देती है और अपने पति को बेडरूम में ले जाती है और उसे बांध कर बेल्ट से मारकर BDSM करने को कहती है, जिससे उसका जो पति है उसे छोड़ने के लिए बोलता है। और मदन और मानसी वापस आने पे अपने भाई की ये हालत देखकर इसका कारण पूछते हैं। इसके बाद मानसी की जेठानी मानसी से कहती है कि उसने BDSM अपने पति के साथ ट्राई किया लेकिन जिसके कारण उसके पति की ये हालत हो गई, जिस पे मानसी काफ़ी हंसती है और कहती है कि BDSM में पति को नहीं बांधा जाता। और इसके बाद रात को मदन और मानसी रात को एक दूसरे के साथ BDSM करते हुए इंटीमेट होते हैं, जिसे उनकी भाभी छुप छुप कर देख रही होती है। और सीरीज़ का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होगा और इसका रिव्यू लेकर हम ज़रूर आएंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी वेब सीरीज़ की अपडेट्स के लिए और रिव्यू